कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आपको बहुत दिल की गहराइयों से नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। नवरात्रि पक्ष आज से शुरू हो गया है, तो आज हम बनाएंगे साबूदाना खिचड़ी नवरात्रि व्रत के लिए। तो खिचड़ी कैसे बनाते हैं साबूदाने की, मैं आपको बता रही हूँ अभी इस ब्लॉग में। आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने 2 पैकेट साबूदाना लिया है, आप देख सकते हैं। तो दोपहर मैंने साबूदाना लिया है, इन्हें कट कर लेंगे। कट करने के बाद इन्हें इस डोंगे में अच्छी तरह से धो लेंगे साफ करके। ये 2 पैकेट तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 पैकेट काफ़ी है मुझे लग रहा है। 1 पाव साबूदाना मैं ले रही हूँ, 1 पैकेट हम बचा देंगे। ये मैंने साबूदाना ले लिया है ऐसे, आप देख सकते हैं 1 पैकेट। इसको हम धो लेंगे पहले। तो दोस्तों साबूदाना मैंने ये धो लिया है साफ करके बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इस साबूदाने में ये 1 गिलास मैंने पानी लिया है, इसमें हम बहुत कम पानी डालेंगे, इतना कि ये थोड़ा सा बस इतना मैंने पानी बचा दिया, आप देख सकते हैं। मैंने 1/2 गिलास ही पानी इसमें डाला है और इतना थोड़ा सा इतने पानी में हम इसको भिगा देंगे, बहुत 1/2 गिलास पानी में, और 2 घंटे के लिए हम इसको भिगाएंगे। तो इसको हम साइड पर रखते हैं ऐसे, इसको हमने ऐसे भिगाने छोड़ दिया है। 2 घंटे बाद हम इसको अच्छी तरह से छन्नी से छान लेंगे और छन्नी में रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो उसके बाद ये फूल जाएगा तो खिचड़ी बनाएंगे। अब ये देख सकते हैं, ये मैंने लिया है 1 आलू, मीडियम साइज़ का आलू लिया है, और मैंने बारीक काट लिया है, बहुत बड़े मैंने इसके पीस नहीं बनाए, इसके इतने से क्यूब मैंने बनाए हैं। तो ये बहुत छोटे, ताकि क्योंकि बहुत से लोग बॉयल आलू लेते हैं, पर मैंने ये कच्चा आलू लिया है, मैं इसे फ्राई करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मैंने लिया है सेंधा नमक, व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है। ये लिया है मैंने पिसी हुई काली मिर्च, और ये ली है मैंने चीनी, 1 चम्मच मैंने चीनी ली है। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, पर चीनी से जो ये खिचड़ी बनेगी, इसका सारे जो मिक्स इसमें मसाले डालेंगे, उन मसालों का टेस्ट इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। ये मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, ये देख सकते हैं। साथ में मैंने लिए हैं 4 हरी मिर्चें, पर मैंने अभी काटी नहीं है, इनको हम थोड़ी देर में जब खिचड़ी ये साबूदाना भीग जाएगा तब लेंगे। ये मैंने लिए हैं 1 छोटे कटोरे से मूँगफली, ये मैंने छिलके उतार लिए हैं इनके, साफ करके मैंने ये मूँगफली ली है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। अब हम साबूदाने जब हमारे भीग जाएंगे तो हम वेट करेंगे थोड़ा, जब साबूदाने भीग जाएंगे उसके बाद मैं आपको खिचड़ी बना के दिखाऊंगी। तब तक आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। ये 2 घंटे के लिए मैंने भिगाए थे, पर देखिए ये पानी सब इसने पी लिया है, मैंने 1/2 गिलास से कम पानी इसमें डाला था, तो ये सारा पानी इसने पी लिया है, और आप देख सकते हैं ये कितने एकदम बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, उसमें बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल हमने अभी कच्चा साबूदाना छोड़ रखा होगा। और ये आप साइज़ देख सकते हैं, ये फूल के कितना बड़ा हो गया, एकदम बहुत अच्छा हो गया ये फूल के। तो चलिए अब बनाते हैं 1st क्लास इसकी व्रत वाली खिचड़ी साबूदाने की। 1 नींबू मैंने लिया है ये छोटे साइज़ का, इतना लगेगा नहीं, ये नींबू बड़े हैं, गाँव के नींबू हैं ये। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा हम डालेंगे, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट आएगा वो खट्टा मीठा थोड़ा सा तीखा काली मिर्च की वजह से, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा, नमकीन भी आएगा, खट्टा भी आएगा, थोड़ा सा मीठा भी आएगा। चीनी और नींबू आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आप चाहे तो डाल सकते हैं। तो ये सब बिल्कुल हमारा साबूदाना रेडी है भीग के, बिल्कुल एकदम ड्राई हो रहा। तो चलिए इसकी खिचड़ी बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में थोड़ा सा घी ले लेंगे, पहले गैस जला लेंगे, एक पैन में घी लेंगे। आलू आपको पता है, वैसे जनरली लोग बॉयल आलू डालते हैं इसमें जितने भी खिचड़ी बनाते हैं, पर मैंने इसमें बॉयल नहीं किया है आलू को, तो मैं इसमें कच्चा आलू को हल्के से थोड़े से घी में, ये देख लीजिए अब थोड़े से घी में इसको हम फ्राई कर लेंगे इन आलू को। इससे आप बना के देखिएगा एक बार इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है ऐसे, और ये आलू पक भी जाएंगे। सबसे पहले हम आलू फ्राई कर लेंगे, ये घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे घी गर्म हो जाता है तो हम इसमें ये कटे हुए आलू डाल देंगे, इसको हम इतने से घी में फ्राई करेंगे। और ये बहुत बड़ा पीस नहीं है, बहुत छोटे छोटे मैंने काट रखे हैं, आप देख सकते हैं कितने छोटे। तो ये छोटे आलू क्या है, जल्दी फ्राई हो जाएंगे और ये टेस्ट में भी अच्छे बनेंगे। एक पीस बड़ा इसमें रह गया है गलती से,
तो इसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ये जो पीस बच गया था कटने से, इसको भी इसमें हम ऐसे काट लेंगे बारीक भुजिया, जैसे जो आलू की भुजिया बनाते हैं, भुर्जी आलू की, उस तरह से मैंने इसमें आलू काटा हुआ है। ये खाने में भी अच्छा होता है, मुंह में भी लगता है, और इसमें जो खिचड़ी बनेगी साबूदाने की उसमें मिक्स भी अच्छा हो जाएगा। तो ये आलू को हम ऐसे ही भून लेंगे। दोस्तों ये आलू लगभग थोड़ा सा देखिए भुन गया है, ये चिपक रहा है क्योंकि मैंने इसे फ्राई नहीं किया है, खाली जैसे सब्जी बनाते हैं थोड़ा सा तेल घी डाल के ऐसे ही बनाया है, तो इसने कलर चेंज कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे हल्का सा, ताकि ये जो हमारी साबूदाना की खिचड़ी बन रही है उसके साथ इसका नमक मिक्स हो जाए, नहीं तो ये आलू में नमक एकदम मिक्स नहीं हो पाएगा, तो आलू फीके फीके लगेंगे। इसलिए इसके साथ हम आलू में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ताकि आलू नमकीन पेक भी रहे और पक भी अच्छी तरह से जाए। ये लगभग पक गया है, टूटने लगा है, थोड़ा सा हाथ से हम और बनाए पकाएंगे और इसे हम साइड कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें खिचड़ी बनाएंगे साबूदाने की। ये आलू हम उसमें बाद में मिक्स करेंगे। देखिए आप टूट जा रहा है, आलू लगभग ऐसे काट रहे हैं तो टूट रहा है, ये बिल्कुल एकदम चूरा होने लगा टूट से। तो ये 2 मिनट में लगभग आलू भुन जा रहा है। आप चाहें तो ऐसा आलू भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो आलू बॉईल करके भी डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको कच्चा आलू एक काट के ऐसे हल्के से घी में मैंने थोड़ा नमक डाल के भून लिया। उसके बाद हम इसमें बाद में इसको जो साबूदाना की हम खिचड़ी बनाएंगे, क्योंकि ये फास्ट की खिचड़ी है, नवरात्रि चल रहे हैं तो व्रत की खिचड़ी में कुछ ऐसा डाल नहीं सकते। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, देखिए। अब क्या करेंगे हम इसमें थोड़ा सा, मुझे हींग पसंद है खाने में, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। वैसे तो साबूदाने की खिचड़ी ना ठंडी होती है ना गर्म, लेकिन हींग से इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आता है हटके। इसमें सिंपल नमक हमें मिलाना है। क्या करेंगे, ये जो मूंगफली मैंने ली है इसको इसी के साथ हम ऐसे पहले डाल देंगे मूंगफली को, ताकि इसमें मूंगफली थोड़ा भून जाए और इसका टेस्ट भी नमकीन सा अच्छा आए। ये मैंने एक छोटी कटोरे से मूंगफली ली है करीब 100 ग्राम, उसको हम ऐसे भून लेंगे इसके साथ। और ये जो टमाटर लिया है ना मैंने, ये देख सकते हैं आप टमाटर, इसको हम डाल देंगे। आप चाहें तो, बहुत से लोग टमाटर अवॉइड करते हैं, बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन ये टमाटर से खट्टी मीठी तीखी ऐसे बनती है। और ये चीनी भी है मैंने, देखिए आप तो इसका अच्छा टेस्ट अच्छा आता है, आप चाहें तो डालें। दोस्तों अब चेक करते हैं खिचड़ी को, ये कितनी पकी है, 2 मिनट हो गए हैं, देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा पकेगी नहीं, ये ऑलरेडी भीग के जो साबूदाना है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। पहले हम क्या करेंगे, जो आलू हमने फ्राई किए थे ये, इसको हम इसमें ऐसे डाल देंगे, सारा घी भी इसका आलू का सब इसके साथ डाल देंगे हम अच्छी तरह से, और आलू को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्का सा ऑरेंज सा कलर टमाटर की वजह से इसका आया है। ये बहुत खुशबूदार खिचड़ी बनी है और अच्छी दिखने में भी बहुत अच्छी हो रही है, खाने में यकीन मानिए बहुत टेस्टी होती है। आप ट्राई कर सकते हैं कभी अपने घर में, बहुत आसान सी रेसिपी बताती हूँ मैं, उम्मीद है आपको पसंद आती होंगी मेरी रेसिपी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा कीजिए। ये मैं ऐसा उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के ही व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ, ये मैं पूरे अपने हिंदुस्तान के दोस्तों के लिए बना रही हूँ खिचड़ी। तो मेरे जहाँ के भी व्यूअर्स को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत प्यार साथ आपने दिया है, मेरा हौसला आप बढ़ाते हैं, इसीलिए मैं ये कुकिंग कर पाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये दाना, एक ये देखिए आप, बिल्कुल ये इतना टूट रहा है इजीली, ये सब ये गल गई है बिल्कुल बुरी तरह, ये बिल्कुल बारीक हो गई है, ये पिचक जा रहे हैं सारे, ये आप देखिए ऐसे पूरे दाने इसके पिचक रहे हैं। तो ये खिचड़ी लगभग रेडी है, इसको बनने में हार्डली 2 या 3 मिनट लगते हैं, अगर आपने सारा प्रोसेस पहले से किया हुआ है तो 2-3 मिनट में आपकी खिचड़ी रेडी हो जाती है, और ये चिपक भी नहीं रही है ज़्यादा, ये बिल्कुल खिली खिली सी खिचड़ी हो रही है, बस इसको आप फास्ट में इजीली खा सकते हैं, आपको एनर्जी भी मिलेगी और साथ में ये टेस्ट में भी लाजवाब होती है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, अनेरी स्पून पे, स्पून शायद छोटी हो गई है मुझे लग रहा है, ये देख सकते हैं आप ये कितनी लाजवाब खिचड़ी बनी है।
दो ही मिनट मैंने इसको ढक के पकाया था। थोड़ा सा क्या है, हीट से जो है इसका जो मसाले का फ्लेवर है ना, वो इसकी हीट से इसमें मिक्स हो जाता है अच्छी तरह से। तो ये खिचड़ी बढ़िया भी बनती है और पक भी अच्छी तरह से जाती है। थोड़ा सा जो भी उसकी गिरी अगर कोई बची होती है साबूदाने की, तो वो भी खुल जाती है। तो खिचड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं भी आपको नज़दीक से बाउल में खाली करके दिखाऊंगी। ये हरी मिर्चें ली हैं मैंने, कुछ बहुत बारीक नहीं काटी हैं क्योंकि ये बहुत तीखी मिर्चें हैं, ये गांव की मिर्चें हैं। बहुत सारी मिर्चें मेरे लिए गांव से आई थी, तो मैं दो या तीन मिर्चें छोटी सी डाल दी हूँ और बहुत बारीक इनको नहीं किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी रेडी है। तो चलिए प्लेट लगाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, ये थोड़ा सा मैंने कागजी नींबू का रस लिया है। आप देखिए ये जो नींबू बड़ा था उसका भी मैंने छोटा सा भाग साइड से काटा है, ये इतना सा, और बाकी ये सब ऐसे ही है। ये तो मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, वो भी हल्का, जब ये थोड़ा सा ठंडी हो जाए खिचड़ी, एकदम गर्म में मत डालें आप, हल्की सी ये गुनगुनी हो जाए तब डालें, ताकि इसका टेस्ट इसमें अच्छा है और कड़वापन भी ना हो, क्योंकि खट्टा गर्म में थोड़ा सा कड़वाहट पैदा करता है। इसलिए ये हमारी शानदार खिचड़ी तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही दिखने में तो लाजवाब हो रही है, खाने में भी बहुत लाजवाब हो रही है। अब ये देख सकते हैं ये भाप उठी इससे। तो चलिए प्लेट डालकर आपको दिखाते हैं। प्लेट लगाकर तो दोस्तों ये रही हमारी शानदार साबूदाने की खिचड़ी। आप देख सकते हैं बहुत कलरफुल बनी है, मैंने कुछ इसमें ऐसा डाला नहीं है स्पेशल, ये देख सकते हैं आप, और कितनी खिली खिली बनी है। आप देख सकते हैं ये बहुत खिली खिली एकदम ड्राई खिचड़ी ये बनी है। तो आप अपने घर में एक बार इसको ट्राई करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत प्यार साथ आपने दिया है, ऐसे ही प्यार साथ आपका सदा बनाए रहेगा उम्मीद करती हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर। Thank you.